राम राम। अगर हम तुम लोगों से कहें अपना नाम, तुम जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हो, मान लो तुम्हारा नाम है अनुज मार्कंडेय, ठीक है, अब तुम अपना नाम हिंदी में लिखो, ठीक है, हिंदी में लिखो अपना नाम, और उसी नाम को सेम टाइमिंग में इंग्लिश में लिखो, दोनों चीज़ें करो, हिंदी में भी लिखो इंग्लिश में भी लिखो, तुम ये देखोगे कि 50% कम टाइम लगेगा तुम्हें इंग्लिश में लिखने में, क्योंकि इंग्लिश में एक जब हम लाइन लिखते हैं या फिर एक पूरा मतलब सेंटेंस लिखते हैं तो वो एक जो वर्ड एक अल्फ़ाबेट होता है दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो मेरा नाम ही लिख रहे हो रितेश, तो आर जब लिखेंगे आई के बाद टी ही ऐसे सब एक साथ कनेक्टेड है तो वो बहुत कम टाइम में कम्प्लीट हो जाता है। बट यही काम अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो पहले हम रा बनाएंगे, उसके ऊपर बड़ी की मात्रा लगाएंगे, फिर ता बनाएंगे, उसके ऊपर बड़े की ए की मात्रा लगाएंगे, फिर सा बनाएंगे, फिर ऊपर लकीर। तो ये जो चीजें होती है, जो प्रोसेस होता है, इसमें इंग्लिश से हिंदी में जस्ट डबल टाइम लगता है। आप चाहे ये करके देख लो पहले प्रैक्टिकल, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करना, ठीक है। अब हम यहां पे क्यों ये चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यूपीएससी हिंदी के बारे में। देखो यूपीएससी जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम होता है कि आपको सोशल अवेयरनेस कितनी है, ठीक है, आपकी सोच समझ कितनी है, आपकी बुद्धि का विकास कितना हुआ है, किताबें सब वही पढ़ रहे हैं बट तुम्हारा विकास कितना हुआ है वहाँ पे वो मांगते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ समझो तुम कि जो हिंदी मीडियम का है या फिर जो इंग्लिश मीडियम का है, क्या दोनों के बुद्धि में विकास नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ होता तो तैयारी ना कर रहा होता या फिर मेंस में बैठ ना पाता, ठीक है। बट जब वो आंसर लिखने जाते हैं, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट, समझ रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिंदी में आप चाहे जितनी स्पीड की प्रैक्टिस कर लो, चाहे जितनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो, आप इंग्लिश के मुकाबले उतना हिंदी में नहीं लिख पाओगे, कितना भी प्रैक्टिस कर लो। कि हम कहते हैं तुम 1,500-2,000 मॉक टेस्ट दे दो, सॉरी जो मेन लिख डालो कहीं पर भी प्रैक्टिस सेट में या फिर हम कहें कि टेस्ट में कहीं पर भी, आप इंग्लिश की बराबरी राइटिंग में नहीं कर सकते हो। और जब हम बात करते हैं प्री की, तो चलो बात हम छोड़ देते हैं, वो तो सबके लिए बराबर है। जब हम मेंस में आते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम पहले ये होती है कि हम उतना नहीं लिख पाएंगे जितना इंग्लिश मीडियम वाले लिख पा रहे हैं। इस वजह से तुम देखोगे यूपीएससी में टॉप 100 में मुश्किल से एक दो कैंडिडेट आ गए तो आ गए, या चार आ गए तो आ गए, लेकिन उसके अलावा 95% लोग वो होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बस ये कहनी थी कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल सके, क्योंकि देखो नॉलेज उनके पास भी भरपूर है बट वो उस नॉलेज को उतने टाइम पे लिख नहीं पाएंगे, पॉसिबल है ही नहीं, किसी तरीके से वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश में आप कभी भी देखो पूरा एक पेज लिखो, अपना नाम छोड़ दो, पूरा एक पेज लिखोगे ना, और हिंदी में वही पूरा पेज लिखोगे, बहुत ज़्यादा समय लगेगा हिंदी में लिखने में। इसलिए तुम देखोगे जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं ना, यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम में स्विच कर रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनको पता है हिंदी मीडियम को कितना भी रगड़ लें रैंक नहीं आनी है, ठीक है। एक दो रैंक आ गई उसकी बात नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो 90% इंग्लिश मीडियम वाले ही ले जाते हैं, ठीक है। टॉप 5 में तो टॉप 10 में तो हमेशा ही रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात हो गई कि आंसर राइटिंग में हमें उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है कि जब हम क्या कहते हैं हिंदी के कुछ वर्ड्स देखते हैं, ठीक है, अब तुमने इंटर तक पढ़ाई करी है, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहे हैं, तुमने इंटर तक पढ़ाई की, 12वीं तक करी, तुमने ग्रेजुएशन करी, सब तुमने हिंदी से पढ़ा, बट प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको तुम्हें इंग्लिश में भी पढ़ना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए कह रहे हैं कि जितने भी लोग हिंदी मीडियम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तुम लोग इंग्लिश में भी कमांड बनाओ, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ऐसे होते हैं कुछ वर्ड्स आप हिंदी में नहीं समझ पाओगे, इंग्लिश में समझ जाओगे, ठीक है। तो कम से कम तुम्हें वो बैलेंस करना आना चाहिए कि जहाँ पे हमें हिंदी नहीं, क्योंकि हिंदी इजी लैंग्वेज नहीं है बॉस, जो आप लोग बोलते हो आपस में वो चीज़ें बात अलग है, लेकिन इंग्लिश में जब आप कुछ चीज़ें देखते हो तो वो ज़्यादा सरल होती है हिंदी की बजाय, ठीक है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी कमांड बनाओ, जो चीज़ें तुम्हें हिंदी में नहीं समझ में आ रही एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश में समझ में तो आ जाएँ। और बाकी मोरल लास्ट स्टोरी अगर हम ये कहें कंक्लूजन स्टोरी एक यही है कि हो सकता है सिलेक्शन हो रहे हों हिंदी मीडियम से, कन्फर्म है हो रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम से रैंक नहीं आ रही है और ना आएगी, चाहे जितना भी कॉपियां भर लो तुम, ठीक है। और टॉप 10 में तो बहुत ही मुश्किल है, टॉप 100 में भी 4-5 अगर आ गए तो आ गए, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे। तुम्हारे पास नॉलेज चाहे जितनी हो, आंसर राइटिंग में अगर तुम्हारी नॉलेज का वो पूरा नहीं दिखा कि हाँ तुमने ये पढ़ा है और तुमने उसमें लिख के नहीं आए हो, तो यकीन मानो तुम्हें नंबर नहीं मिलने हैं, तुमने चाहे जितनी तैयारी करी हो। और कहा यह जाता है कि आंसर राइटिंग ही सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि वो पूरे क्वेश्चन किसी से अटैम्प्ट हो ही नहीं पाते और हिंदी मीडियम में तो खासकर नहीं हो पाते। मात्रा है, अंक बिंदी है और बहुत सारी और मात्राएँ हैं, तो ये सारी लगाने में तुम्हारा बहुत टाइम चला जाता है। वही चीज़ अगर इंग्लिश में करोगे एक फ्लो में एक लाइन
लाइन लिखते चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अगर इंग्लिश मीडियम से तैयारी करना चाह रहे हो तो हम कहेंगे करो यार, जितना जल्दी हो सके स्विच कर लो अगर हो सकता है तो, नहीं तो हिंदी मीडियम से भी कर रहे हो तो रैंक की आस मत रखना, बहुत बड़ी रैंक नहीं आनी है। ठीक है, राम राम, जय हिंद।